क्या सा रही हूँ गाइस, सीन कुछ ये है कि हम लोग जा रहे हैं अभी डायरेक्ट फेरी मेडोज, और हमारा सीन ये स्टार्ट हुआ है रावलपिंडी से चले, और हम सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं जैन गफूर हूँ जैसे कि आप जानते हैं, पीछे हमारे साथ राय जी हैं, दिखाएं जरा पीछे श्यामा जी है हमारे बड़े साथ, ये कहते हैं बॉर्डर ही तो अभी हम लोग असल में वीडियो बनाने का मकसद सारा ये था कि एक तो हम लोग सारे स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली लास्ट ईयर चल रहे हैं, अभी भी पास आउट हुए हैं, तो हम लोग एक साल से प्लानिंग कर रहे थे उंजा जाने की। तो फेरी मेडो जैसे आप लोगों को पता है बड़ी मज़े का मतलब जगह है, और ऊपर से उसका रास्ता है वो भी बड़ा ना मज़ेदार है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि एक तो हमारा बजट पूरा पूरा, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग डायरेक्ट ही जाएंगे सीधा रावलपिंडी से फेरी मेडो हमारा स्टॉप होगा। तो अभी आप रास्ते में आपको दिखाते हैं कितना बजट वगैरह हमारा लगता है, और साथ मैं भी हूँ इधर तो दोस्तों से मिलना है, तो बाकी आपको बताते हैं क्या सीन होता है। चले बॉयज, अभी हम लोग एबटाबाद पहुंच गए हैं, यहाँ पे स्टेज चेक कर रहे हैं, उस्मान भाई हमारे आ गए हैं, हमारे रावलपिंडी के स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ते रहे हैं, मजाक कर रहे हैं जी, बड़े अच्छे आर्मी ने इनको नहीं उठाया, बाकी पूरी दुनिया को उठा लिया, नहीं जी मजाक कर रहे हैं, बड़े अच्छे भाई उस्मान भाई, साथ हमारे शवाल की गेमिंग वाले संगी है हमारे, ये सारे कॉन्सर्ट होते हैं, अभी इनके पास अभी आए हम, जरा खाना छाना करते हैं, माशाल्लाह हमारी मेहमान नवाजी करेंगे ये लोग जी, एडमिन भी है, चले उस्मान भी के साथ चलते हैं इंशाल्लाह। व्लॉग मेरा ये व्लॉग बन रहा है। अच्छा बॉयज, हम लोग बालाकोट पहुंच गए हैं, फिलहाल नींद तो बड़ी सख्त आई हुई है पर पहुंच ही गए हैं, तकरीबन रात के 10:30 हो गए हैं, अभी हमारा प्लान ये है कि सीधा नारान जाएंगे, नारान स्टे वगैरह नहीं करेंगे, बस 5-10 मिनट रेस्ट करेंगे, जिसमें बालाकोट में कर रहे हैं, बाकी ड्राइव किया अभी हमारे साथ, बताएं जी सही थी ड्राइविंग अगर आपकी, थोड़ा करीब जाकर बताया जी ये क्या तरीका आ गया है बैंड से फिरने का, ब्लॉग हो रहा है, ये बदतमीज लोग हैं जी, इनके साथ कभी ना आए आप, मैं आपको ये मशवरा दूंगा, अपना आए स्कूल से आए, श्याम भाई भी सब अच्छा, सब अच्छा है जी, बस अभी आगे की रिपोर्ट देते हैं, पेट्रोल वगैरह बड़ा अच्छा जा रहा है, गाड़ी बड़ी अच्छी जा रही है, ऑयल वगैरह चेंज करा दिया। ओके बॉयज, फिलहाल हम जा रहे हैं अब बाबूसर वाली साइड पे, नारान पे हमने तकरीबन थोड़ा सा स्टे किया भी अपना, पर नॉन स्टॉप भी चले जा रहे हैं, नारान में हमें रूम मिल रहा था तकरीबन 4-5 हज़ार का, और बॉयज़ नहीं माने, कह रहे थे कि आउट ऑफ बजट हो रहा है, स्टूडेंट्स का यही सीन है, इसलिए हम लोग बड़ा कैलकुलेटेड जा रहे हैं, पर यह है कि ख्वारी हो गई है, काफ़ी देर से सो गई है, पीछे हालत देखें ज़रा बॉयज़ की, लाइट्स ऑन करते हैं जी, ये बॉयज हमारे थोड़े ठीक लग रहे होंगे आपको वीडियो में, लेकिन इस वाले की तबीयत बहुत ख़राब है, नाक स्टिल दही जा रही है, ये वाला तो खैर आपको नज़र नहीं है थोड़े कंटिन्यू जैन कपूर साहब, बस जी बस अभी तक यही आपको अपडेट है, बस बाउंसर पहुंच के आपको जरा वहाँ का व्यू शू दिखाते हैं इंशाल्लाह, अली भाई हमारे साथ है कैमरा मैन, भाई जी कोई डांस मत करो ना, क्या कह रहे हो, ठीक है जी बॉयज़, अभी हम आ गए हैं जी बाबू से टॉप के करीब, तकरीबन सुबह के 8 बज गए हैं, और अब यकीन माने हम लोग तो 48 आवर्स से ना तकरीबन हमने 5 घंटे हम सिर्फ सोए 48 घंटों में, तो ड्राइव शाइड चल रही है, अभी व्यू बड़ा प्यारा आया था, हाँ हाँ असल में सारे पैसे व्यू के ही हैं, व्यू की इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सर्दी वाह ही हो गई है, शाले वाले ली हुई हैं सब ने, बाकी दो बॉयज़ तो सो चुके हैं, बाकी बस बाबू से जाके चाय शाय पीते हैं, आपको दिखाते हैं माहौल, फिर फेरी मेडोज़ पहुँच के आपको बताते हैं हमारा कितना फ्यू लगा, बाकी साथ हमारी राय जी दिखाएं अपने आपको कैमरा हिला के, राय जी राय मुझे बॉट हो रही, बॉट हो रही, बड़ी बॉट हो रही, बॉट हो रही, अंदर बढ़ गई बॉट हो रही, सर मारे जगह जगह, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, अब आइए इधर आइए, एक वो चीज़ दिखा दीजिए, मसला हो गया हमने रस्सी से बांधा हुआ रस्सी जी, बस जी बाकी आपको अपडेट देते हैं,
जैन भाई ये तो दोनों सो गए हैं, साहब ही एक्टिव बैठे हैं। जी अब उधर ड्राइव भी करनी है, लोगों पे मुझे यकीन नहीं जैसा रास्ता है। बिल्कुल बस अभी जा रहे हैं, आप भी एक्टिव है, मैं भी एक्टिव हूँ, इंशाल्लाह आगे जाके जरा रास्ता क्लियर होता है ना, फिर इनमें से ठीक है बॉयज, रायकोट ब्रिज पहुंच गए तकरीबन, हम कल चले 4 बजे और अभी 1 बज गया, विदाउट एनी स्लीप कुछ भी हमने नहीं किया और अभी डेरा कांगा पहुंच गए। तो अभी जो हमारा जो फ्यूल लगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपको पूछ रहे थे सारे ना, तो हमारा 15,000 का फ्यूल लगा है, हमारे पास टूटी सैलून गाड़ी थी, बाकी अभी हम सब फुल हो गए। अभी मैं जा रहा हूँ शावर लेने, हालत बड़ी ख़राब है, शॉर्ट मेरा पहले जो गाड़ी बुक कराई है वो हमें पड़ी है 14,100 रुपये की, आगे हम देखें खर्चा वगैरह करना कि नहीं करना, बस ये वाला व्लॉग है। Thank you.